महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव में पहुंचाने वाले बालासाहेब ठाकरे, क्योंकि महाराष्ट्र में उस वक्त बीजेपी नहीं थी, शिवसेना ही थी। तो बालासाहेब ठाकरे ने उनके साथ जो अलायंस किया, युति बोलते हम उनको, उसकी वजह से महाराष्ट्र के गांव-गांव में शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी प्रचार और प्रसार हुआ। और हमारे लिए उस वक्त गर्व की बात थी कि हम सब लोग गर्व से कहो हम हिंदू है इस नारे से एक साथ आए थे। लेकिन फिर भी बालासाहेब ठाकरे हमें याद रहेंगे महाराष्ट्र में, वो मराठी मानुष, मराठी अस्मिता को जो ताकत, जो तेज, जो ग्लैमर दिया है वो बालासाहेब ठाकरे ने दिया। रीजनल पार्टी की पॉलिटिक्स इस देश में जो चल रही है, उनके कर्ता धर्ता, उनके निर्माता वो बालासाहेब ठाकरे है और कोई नहीं। बीजेपी कह रही है कि आप लोग अपना हिंदुत्व भूल गए हैं, बालासाहेब ठाकरे को भूल गए हैं, इस तरीके की आरोप बीजेपी करते रहती आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो आरोप करना कर लीजिए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल गए हैं। कोई किसी को भूलता नहीं, हर एक का योगदान होता है। जैसे अटल जी का भी योगदान है, आडवाणी साहब का योगदान है जी। अगर हमने कहा कि आप आडवाणी साहब को भूल गए, वो तो जिंदा है ना, जीवित है। बालासाहेब ठाकरे को कोई भूल नहीं सकता, उनकी विचारधारा तो प्रखर हिंदुत्व की थी, लेकिन वो हिंदुत्व उनका खोमिनी टाइप हिंदुत्व नहीं था, बहुत ही प्रोग्रेसिव हिंदुत्व के वो कर्ता धर्ता रहे। राम मंदिर की लड़ाई बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व में हमने भी लड़ी है, सबने लड़ी है। लेकिन बालासाहेब ठाकरे बाबरी पतन के बाद भाग नहीं गए, वो जिम्मा अपने पर लिया है। ऐसे बालासाहेब ठाकरे के बाद अगर बीजेपी उनको याद करती है तो अच्छी बात है, याद करते रहो बालासाहेब।